गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने मॉनसून विंड्स के बारे में पढ़ा कि वो अपने साथ में बारिश और पानी लेकर के आती हैं। तो रेन प्रोवाइडर्स हैप्पीनेस, रेन हमको बहुत खुशियां देकर जाती हैं बारिश, बट दे ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स। लेकिन ऑफन मतलब प्रायर, कभी कभी वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है बरसात। Sometimes nature itself is responsible for creating disasters and poses threat to humans, animals and plant life. कभी कभी प्रकृति हमारे लिए बहुत ही आपदाएं लेकर के आती हैं जिसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए बहुत ही डरावना होता है। टू सच कंडीशंस, अब ऐसी दो कंडीशंस कौन सी हैं? थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। इन ट्रॉपिकल एरियाज विच आर हॉट एंड ह्यूमिड थंडर स्टॉर्म्स आर मोर लाइकली टू डेवलप, फॉर एग्जांपल इंडिया। जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और क्लाइमेट भी बहुत हॉट एंड ह्यूमिड होता है, उन एरियाज में इस तरह के थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स बहुत आते हैं। जैसे कि भारत में स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब ट्रॉपिकल एरिया मतलब हॉट क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है ना, तो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो गर्म होकर के ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं। दीज विंड्स होल्ड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब ये समुद्र के ऊपर से जा रही हैं, तो समुद्र के ऊपर से जो निकल रही है वाटर वेपर है उसके अंदर बहुत सारा, दे कैरी देम अपवर्ड एंड फ्रीजेस। अब ये ड्रॉपलेट्स पानी, समुद्र से उठने वाली जो हवाएं होती हैं अपने साथ में बहुत सारा मॉइस्चर लेकर के जाती हैं, वाटर वेपर उसमें बहुत सारा प्रेजेंट होता है, ऊपर जा कर के ये क्या हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं। विच आर अगेन रिसीव्ड बैक, और फिर कंडेंस होकर के वापस से बारिश के रूप में वो नीचे आती हैं। लाइटनिंग एंड साउंड इज क्रिएटेड व्हेन द राइजिंग एयर इज अकम्पनीड विद फॉलिंग ड्रॉपलेट्स। अब जब ये ऊपर उठने वाली जो हवाएं होती है, गर्म हवाएं, जब इन फ्रीज होने के बाद जब ये ड्रॉपलेट्स नीचे गिरती हैं, ये ड्रॉपलेट्स और जब गर्म हवाएं होती हैं जब आपस में मिलती हैं तो क्या होता है, इनके बीच में फ्रिक्शन होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से लाइटनिंग, बिजली चमकती है और उसमें से आवाज़ आती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। इसको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। जब बारिश के मौसम में बिजली कड़कड़ाती है, आपने सुना है, बहुत रोशनी निकलती है और बहुत तेज आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं हम थंडर स्टॉर्म। तो ये क्यों होता है, जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो वो ऊपर जा कर के वो फ्रीज हो जाती हैं, नीचे से फिर से वो गर्म हवाएं ऊपर उठती रहती हैं, और जब ये फ्रीज हुई जो ड्रॉपलेट्स होती हैं नीचे गिरती हैं और गर्म हवा के कॉन्टेक्ट में आती हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है और जिससे लाइटनिंग और साउंड निकलती हैं। फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन इफ अ स्टॉर्म इज अकम्पनीड बाय लाइटिंग। अगर तूफान आ रहा है और उसके साथ में बिजली भी कड़क रही है, तेज लाइटनिंग हो रही है, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसे यू शुड नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। कभी भी उस समय जब थंडर स्टॉर्म आ रहा हो उस समय ज़मीन पर नहीं लेटना चाहिए। नेवर टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। कभी भी अकेले पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बारिश आ रही हो और कोई पेड़ है तो उसके नीचे कभी भी आपको शेल्टर नहीं लेना चाहिए। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री। अगर आप कहीं जंगल में फंस गए हों उस समय तो किसी छोटे पेड़ के नीचे आपको अपना शेल्टर लेना चाहिए, क्योंकि बड़े पेड़ों के ऊपर बिजली गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। डू नॉट यूज़ एन अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक एंड। और कभी भी तूफान के समय ऐसा छाता जिसको पकड़ने का जो एंड होता है वो मेटल का बना हुआ है, यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड लाइट के।
डू नॉट सिट नियर अ विंडो, खिड़की के पास में नहीं बैठना चाहिए. प्लेसेस लाइक ओपन गैराजेस, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ टू टेक शेल्टर. खिड़की के पास में नहीं बैठना चाहिए. खुला जो गैरेज होता है या जो स्टोरेज शेड होते हैं या जो मेटल के बने हुए जिनके ऊपर मेटल की शेड्स लगे रहते हैं, ऐसी जगहों पर शेल्टर नहीं लेना चाहिए. कार और बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. कार या बस के अंदर आप शेल्टर ले सकते हैं या बैठ सकते हैं. इफ़ यू आर इन वाटर से इन पूल, गेट आउट एंड गो इनसाइड. अगर आप पानी के अंदर हैं, जब थंडर स्टॉर्म हो रहा है जैसे कि स्विमिंग पूल के अंदर हैं, तो तुरंत उसमें से बाहर आ जाएं और अंदर चले जाएं. ठीक है. हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन. अब थंडर स्टॉर्म्स कैसे साइक्लोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये हम प्रीवियस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे.